हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका वेंदी आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहाँ पे मैं बेसिक फिलअप एंड एडवांस फिलअप के बारे में बताने वाली हूँ, जो मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। सो वो बनेंगे कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल करके बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये दो लाइन मैंने करके आपको बताई है। मैं ये पूरा करूँगी तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से स्किप कर लूँगी। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करके सेंटर में ये डॉट लगाया मैंने ऐसे, इस तरीके से मैंने तीन बनाए हैं। आपको लाइन से नहीं बनाना है, दो बना के उसके बीच में एक, इससे क्या होगा कि आपका जो गेप है वो पूरा कवर हो जाएगा। इन फिलअप का यूज़ हम लोग शेप में यूज़ कर सकते हैं। देन आप अपने हिसाब से अलग अलग बॉर्डर्स में, देन बैट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, मैंने सर्कल बनाया है, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने बारीक बारीक स्केल्प का यूज़ किया है। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। पहले आप देख सकते हो कि ये मैंने पेन से ड्रॉ किया है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है मेहंदी से बराबर, तो आप पहले पेन का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप मेहंदी से उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने फुल सर्कल लिया है, उसके सेंटर में डॉट्स का यूज़ किया है। यहाँ पे सर्कल लिया है फुल सर्कल, फिर एक लाइन पूरे स्केल्प की ली है, देन रिपीट वापस स्केल्प। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो तो आप डायरेक्ट मेहंदी से यूज़ करने की जगह आप पहले
पेन या पेंसिल का यूज़ करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आप मेहंदी से यूज़ करोगे तो आपका इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ध्यान रहे कि इसमें सारे सर्कल की साइज़ आपको सेम रखनी है, कोई भी सर्कल की साइज़ छोटी बड़ी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, मैं ये सारे जो बॉक्सेस हैं मैं इनको पूरा फिलअप नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो पूरा शीट मैं रेडी करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन प्रैक्टिस के लिए जो ब्लैंक पेज रहेगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हाफ स्पाइरल लेके मैंने यहाँ पे डॉट यहाँ पे इस तरीके से प्रेस किया है। देन उसका हाफ बॉर्डर मैंने डार्क किया है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं हाफ स्केल्प यूज कर रही हूँ अगेन स्पाइरल डॉट हाफ बॉर्डर बोल्ड देन हाफ स्केल। नेक्स्ट फुल सर्कल डॉट स्केल रिपीट सेकेंड लाइन स्केल फ्रेंड्स, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपको इसकी प्रैक्टिस इसलिए करनी है बिकॉज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेहंदी की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये आपको इजी होगा। बना के रखे सो मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने बिग सर्कल का यूज़ किया है, ये भी मेरे काफ़ी यूजफुल है। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप लोगों को काफ़ी यूज़ होगा फिलअप करने में। मैं भी इनका यूज़ रेगुलर करती हूँ मेरे डिज़ाइंस में। यहाँ पे मैंने स्मॉल सर्कल का यूज़ किया है। सो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो साइज में। यहाँ पे मैं स्पाइरल का यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने पहले फर्स्ट फिलअप में किया था लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, मैंने तीन लाइन यहाँ पे ऐड की है, देन आउटलाइन एक बॉर्डर दिया है। स्पाइरल को थ्री टाइम यहाँ पे इस तरीके से घुमाया है एंड एक बॉर्डर। डॉट हाफ स्पाइरल देन ये स्केल। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि कुछ फिलअप्स ऐसे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फुल सर्कल और सेंटर में डॉट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने स्केल यूज़ किया बारीक वाले, फिर
ये थोड़े बिग साइज के स्कैल्प ऐड कर रही हूँ। ये स्कैल्प मैंने टच करके यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। इसमें मैंने पहले वाले क्लिप में हाफ यूज किया था। तो फ्रेंड्स पूरी में ये शीट रेडी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देने वाले हूँ, सो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे फिलअप की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए मैं इस शीट का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके लिए आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना है। देन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।